नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव के नाम पर जो अब कयासबाजियां तेज होती जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, इन कयासों पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ सकती है। यह मसले भी कह रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने महिला आयोग का उपाध्यक्ष घोषित किया था। हालांकि देखा जाए तो अपर्णा यादव अभी भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताई जा रही है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष घोषित होने के बाद चारू चौधरी के साथ जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभाने के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा को पूरे 2.5 वर्षों के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि चुनाव में उन्हें मौका मिलेगा, यानी कि उपचुनाव में लड़ने का उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं सौंपा था। मैनपुरी की सीट से चुनावी मैदान में उतारने के कयास थे, लेकिन अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार करती नजर आई थी कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, परिवार के विरुद्ध नहीं जाऊंगी, परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। यह अपर्णा यादव के बड़े बयान थे, जिसके बाद संकेत तेज हो गए थे। राजनीतिक पंडितों का कहना था कि अब अपर्णा यादव किसी भी क्षण जो है शिवपाल यादव से संपर्क बनाकर समाजवादी पार्टी के लिए अपने रास्ते खोल सकती हैं। हाल ही में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी बड़े संकेत अपर्णा यादव को दिए थे। इन तमाम संकेतों में अगर इन संकेतों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं आप देखें करहल की सीट जो थी वो अपर्णा यादव के लिए खाली की गई थी अखिलेश यादव द्वारा। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश ने इस्तीफा दिया था, मात्र केवल इसीलिए कि अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं सौंप दी जाए, और अगर अपर्णा यादव अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के तहत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ती नजर आती, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ती नजर आती तो स्थिति बदलती नजर आती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से और तमाम बीजेपी कमान के मुख्य चेहरों से अपर्णा यादव ने हाल ही में मुलाकात भी की थी, जिसकी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। चाहे फिर योगी आदित्यनाथ ले लीजिए, मोदी शाह ले लीजिए, कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को चुनाव में ही लेकिन महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अपनी जिम्मेदारी से नाखुश अपर्णा यादव बताई जा रही हैं। इसी बीच खबरें कहीं ना कहीं इस बात की भी आ रही है कि सीएम योगी से अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, रझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ आप ना छोड़ें, समाजवादी पार्टी में ना शामिल हो, क्योंकि भाजपा की रणनीतियां सपा में जाएंगी और अखिलेश यादव अपनी सेंधमारी में कामयाब होते नजर आएंगे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि आखिर अपर्णा यादव क्या बड़ा कदम उठाती नजर आएंगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।